मैम आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस कैसे रहा और आप यहाँ पे कैसे ज्वाइन कैसे किए, आपको कोई इंस्पायर किया ज्वाइन किए या ऐसे ही आके ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन कैसे किए? हम लोग अपने मन से किए हैं। अच्छा, मतलब मन में ऐसे क्यों आया कि हाँ मुझे दंतेश्वरी जो महिला टीम है जो माओवादी संगठन को हराने के लिए काम करता है उस वहाँ पे मुझे जाना है, ऐसे क्यों मन में क्यों आया ऐसे? मतलब ऐसे हम लोग पुलिस में जाएंगे और माओवादियों को मार गिराएंगे, ऐसी सोच के हम लोग। अच्छा, ऐसे सोच मतलब बचपन से ही था या बाद में आया है ये? बचपन से ही। आपका नाम मतलब शुभ नाम क्या है? नाम पुलोमर का बोल रही हूँ। पुलोमर का जी। अच्छा, पुलों में क्या मतलब सबके मन में अलग अलग, यहाँ पे जितने भी हैं आप महिलाएं हैं जो काम करते हैं दंतेश्वरी फाइटर में, कि सबका अलग अलग सोच होता है, मैं इसीलिए इस लाइन में हूँ, इसीलिए काम करती हूँ, तो आपके मन में क्या सोच है किस लिए आप ये मतलब जैसे कि लड़कियाँ इस लाइन में काम करेंगे लोग सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं, आप वैसे माओ दमन करने के लिए माओ को हराने के लिए इस दंतेश्वरी फाइटर में क्यों ज्वाइन क्यों किए? तो मेरे छोटी बहन को भी मार दिए मुठभेर वजह से, पुलिस की सूचना देती है बोल के दो मोबाइल जब्त किए थे, उसके बाद भी छुपा छुपा के सलाह रहती पूरा पता करके मार दिए उसको। अच्छा। तो मेरे को भी मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, दो तीन मीटिंग हुआ तो मैं घर से उधर सुकमा जाके बच गई हूँ, मजदूरी काम करती थी उस वहाँ, तो मैं भी बदला लेने जाऊंगी, मैं भी बदला लेने चाहूंगी बोल के मैं यहाँ DRG में आने के बाद मम्मी पापा को भी मार पीट करके भगा दिया और घर का सामान वामान पूरा जब्त किए। ये देखो तो पुलो मार्कम जे दंतेश्वरी महिला फाइटर रे काम करती जीवन रो कहानी से कहीं फाइटर टीम रे जॉइन करती, एमती अनेक कहानी अच्छी सब कहानी आम शुणा। मैम आप क्यों इस लाइन में आए, इस लाइन में क्यों भर्ती हुए? जैसे कि घर वाले सोचते हैं कि लड़कियां हैं घर से बाहर निकलेंगे, फिर आपका तो बात ही कुछ अलग है कि दंतेश्वरी फाइटर टीम नाम सुनते ही लोगों का कांपना शुरू हो जाता है, तो आप क्यों इस लाइन में आए? अच्छा लगता था, हम सभी जाते हैं गश्त महिलाएं भी बोल के, तो इसलिए आए, सबको देख के अच्छा लगा। तो भर्ती कब हुए थे? 2017 में भर्ती हुआ। ये जो है इसका नाम क्या है और इसको कैसे चलाते कैसे हैं, कि वहाँ पे जैसे आप चला रहे थे मैं देख के ही सोच रही थी कि मैं ये पूछूंगी ये कैसे चलाते हैं क्या चलाते हैं इसका नाम क्या है? पहले तो हम लोग मतलब पुलिस बनना चाहते थे अपने शौकीन से अपने मन से आए हैं और घर वाले की मर्जी है, ठीक है फोर्स में चले जाओ आ गए हैं, तो ये हम लोग को चलाने के लिए दिया गया। इसका ये मतलब ये बम कहाँ पे गड़ा है एक इसका लोकेशन बताने का ये होता है। तो मैम आप जब भर्ती हुए कैसे भर्ती हुए और घर वाले क्या सोचते हैं, आप भी शादीशुदा हैं और घर में और कौन कौन है? घर में मेरे दो बच्चे हैं, मेरे पति बाहर रहते हैं, तो मेरे बहन के साथ मेरे बच्चे रहते हैं और मैं आप समय चले जाती हूँ। जब आप घर से निकलते हैं ऐसे यूनिफॉर्म में बच्चे क्या बोलते हैं उस टाइम में? बोलते हैं माँ आप नक्सली से लड़ने जा रहे हो। तो जब आप गांव-गांव जाते हैं गांव-गांव घूमते हैं तभी बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए स्कूल जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा नक्सलाइट एरिया है? हाँ, गाँव में जाते हैं तो पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह चॉकलेट वगैरह सब लेके जाते हैं। अच्छा। और बच्चे को भी देते हैं तो उनको भी हम लोग समझाते हैं। जब आप घर से निकलते हैं जब बाहर निकलते हैं तो इस यूनिफॉर्म में बच्चे देख के आपके बच्चे देख के क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं आज आप समझा रहे हैं माँ गाँव मतलब सिटी एरिया ड्यूटी नहीं आपका आज जंगल में है, तो हम बता के जाते हैं जंगल में है फोन मत करें। नारी तो सेमितिर भी सशक्त आउ तांको कथा सुनले नारी केते निर्भर आत्मनिर्भरशील एटु ही जणा पड़ी जाउची आउ तांकर मुहर से गोटिए पद कथा जदि बम फाटी भी जाउची जंगल भितरे मु देश पई शहीद ही जीवी। सतरे ए कथा गुडी को सुनले लोम गुडी को टांकुरी होई उठुची। आम सहित सुनैना मैडम भी अच्छा जे सकालु आम देखुले जो वर्कआउट करुले टीम को लीड करुले आते दंतेश्वरी फाइटर को से पूरा पूरी केमती वर्कआउट करोले योगा करोले सहित भी टी आलोचना करवा कथबार्ता होगा। मैम आप इस लाइन में क्यों आए हैं, हम तो सबके कहानी सुन ले आप क्यों आए हैं? मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरा गाँव है बारसूर जहाँ माँ दंतेश्वरी की आराधना माँ छोटी बहन है वहाँ के, मैं वही उसी गांव से हूँ। मैम बचपन से ही मुझे स्कूल जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी से मुझे वर्दी का मतलब दूर से ही देखते थे, मैं पहले गांव में हम लोग रहते थे तो डर लगता था तो डर वर्दी को देख के ही हम छुप जाते थे कि पुलिस वाले आ गए तो हम लोग को भी बहुत डर लगता था। फिर धीरे धीरे मैम जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं कब
वर्दी पहनूं और मैं भी इनकी तरह ड्यूटी करूं, गांव में जाऊं, सभी के साथ मिलूं, सभी को देख के मुझे बहुत खुशी होता था और एक सपना था मैम कि मुझे पुलिस बनना था। तो ये सपना पूरा हो गया जी मैम, ये सपना पूरा हो गया मैम। हम लोग 2016-17 बैच में सीधी भर्ती में आए मैम।